थिएटर में एप्लीकेशन ऑफ PIR में मिराज एंड लूमिंग किसे कहते हैं? तो मिराज होता है कि आप कहीं हाईवे पे जाते हैं तो बहुत दूर आपको पानी दिखता रहता है बेटा, बट होता नहीं, आप भागते रहिए उसके पीछे, ठीक है? तो वो पानी कहीं होता थोड़ी नहीं, आप हाईवे पे जाते हैं बहुत दूर आपको पानी पड़ा हुआ दिखता है हमेशा, बट जैसे ही वहां जाते हैं वो गायब हो जाता है, ठीक है? तो आपको रीजन पता होना चाहिए क्यों होता है ऐसा। तो इसका रीजन भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है मिराज का। तो एक बार देखिए, मान लीजिए आपका ये आदमी इसकी आई यहाँ पर, बहुत दूर जब आप देखते हैं तो आपका इधर मान लीजिए कोई पेड़ वेड़ कुछ इस तरह का, ठीक है? तो ये होता है बेटा गर्म जगह पे जाता है, वही तो गर्म जगह पे हो पाता है ऐसा, कि जब बहुत गर्मी पड़ जाती है रेगिस्तान वेगिस्तान में खूब दूर तक दिखता है पानी पानी, बट होता रेगिस्तान में पानी हो सकता है कभी नहीं हो सकता, बट वो क्यों दिखता है, क्योंकि आप देखिए गर्मी जहाँ पे ज्यादा हो जाती है तो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, अभी आपने पढ़ा है म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेम्परेचर के साथ बढ़ जाता है, इंक्रीजेस विद टेम्परेचर इंक्रीज, बढ़ता है कि कम हो जाता है, कम हो जाता है वो। रेयर मीडियम में ना कम हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ये म्यू की वैल्यू कम हो जाती है, म्यू डेंसिटी डिक्रीजेस टू इंडेक्स आल्सो डिक्रीजेस। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिक्रीज कर जाता है, म्यू डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है ना? टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ म्यू की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। यहाँ पर ये ग्राउंड बहुत गर्म है, रेगिस्तान की मिट्टी बहुत गर्म हो जाती है, आपकी रोड बहुत गर्म हो जाती है, तो उसके आसपास जो एयर होती है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम हो जाता है। तो ध्यान भी रखेंगे टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ म्यू की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। तो यहाँ ये जो यहाँ से बिल्कुल यहाँ पे सरफेस का कम हो गया और ऊपर से जो आ रहा है इस तरह की, मान लो इससे रे जा रही है चारों तरफ, ठीक है? तो ये रे कैसी होती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है बेटा, फिर हमारी आईज में एंटर करती है TIR की वजह से। तो इस जगह ये TIR हो जाता है, इस जगह TIR हो जाता है, ठीक है ना? यहाँ से ये TIR हो जाता है इस तरीके से। तो आपको इसकी इमेज कहाँ दिखती है, इसकी इमेज आपको यहाँ दिखती है, आपको ये ऐसा दिखता है, पेड़ उल्टा दिखता है, मतलब आपको ऐसा लगता है वहां पर सब कुछ रिफ्लेक्ट दिख रहा था, आपको ऐसा लग रहा है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस या पानी जैसा कुछ पड़ा है, ठीक है ना? वहां ऐसा लगता है आपको कि कोई पानी जैसा पड़ा हुआ है, इस तरह की इमेज दिखती है आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के बाद, ठीक है? तो इसको आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आप मिराज बोलते हैं, ठीक है? लूमिंग क्या होती है, लूमिंग इसका उल्टा होता है, ठीक है ना? लूमिंग इसका उल्टा होता है, लूमिंग होता है जहाँ पे समुद्र में होता है बेटा बेसिकली, वो कोल्ड कंट्रीज में जब जहाज दिखते हैं, तो मान लीजिए आपका ये पूरा सी और दो शिप एक दूसरे से काफी दूर है इस तरीके से, मतलब इतने ही कि दिख सकते हैं बट डिस्टेंस काफी ज्यादा है, और बहुत ठंड पड़ रही है वहाँ पे, पानी काफी ठंडा है, पानी जब बहुत ठंडा है तो यहाँ पर म्यू बढ़ जाता है, जैसे यहाँ पर म्यू ग्राउंड का म्यू क्या हो गया था, कम हो गया था ना, यहाँ पर सरफेस के पास म्यू कम हो गया था, ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ से रे आई तो यहाँ पर क्या हो गया, TIR हो गया, क्योंकि कैसा हो गया, आपकी डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में लाइट जाने लग गई, तो ऐसे जाने की बजाय नॉर्मल से, इस नॉर्मल से पूरी रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है ना? ये आपका नॉर्मल था, तो इस मीडियम में आपका यहाँ पर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम हो गया, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, दूर हटते हटते रिफ्टोटल TIR ही हो गया यहाँ पर, वैसे यहाँ पर क्या होगा, म्यू बढ़ जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ का म्यू बढ़ जाएगा, तो इससे जो रे चलेगी ऐसे वो रिफ्लेक्ट होके कैसी जाएगी, ऐसी पहुंचेगी शिप तक। तो इसको क्या दिखता है बेटा, समुद्र में दूसरा जहाज बिल्कुल ऐसा लगता है कि हवाई जहाज बन गया, उड़ रहा हो आप आसमान, ठीक है ना? उसको एक शिप को दूसरा शिप बिल्कुल कोल्ड कंट्रीज में जहाँ पर सी होता है, तो ये पानी अगर बिल्कुल ठंडा है तो यहाँ का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है एयर का, तो इससे जो रे जाती है वो रिफ्लेक्ट TIR हो जाता है, ऊपर जाती नहीं ऐसे एंटर करती है, तो इसकी इमेज कहाँ दिखती है इनको, यहाँ पे दिखती है, ठीक है? तो ये लूमिंग कहलाते हैं, प्रोसेस रिवर्स है कि वहां पर तो ग्राउंड के पास का कम हो जाता है, इसमें पानी के पास का बढ़ जाता है, तो एक शिप दूसरे शिप को कहाँ देखता है, हवा में दिखता है, ठीक है? तो ये तो एक एप्लीकेशन था, आप NCERT से डायमंड का भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना? डायमंड का जो चमक होती है वो उसकी, डायमंड की कोई कलाकारी नहीं होती उसमें, उसकी डायमंड कटर की सारी कलाकारी होती है, उसको कट इस तरह से करता है कि उसके अंदर लाइट ट्रैप हो जाती है, ठीक है ना? और बाकी प्रिज्म प्रिज्म तो आप पढ़ लेंगे, मैं आपको और दूसरा इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑप्टिकल फाइबर करा रहा हूँ, अब 3-4 पैराग्राफ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा,
ऑप्टिकल फाइबर पढ़ेंगे। चाप आ गए क्या? तो 4 बज गए क्या? अभी रुक जाओ, अभी ऑप्टिक्स पढ़ लो थोड़ा सा। हाँ ऑप्टिकल फाइबर देखिए आप। ऑप्टिकल फाइबर किसको बोलते हैं? तो ऑप्टिकल फाइबर वो चीज़ है बेटा जिस पर मैंने बताया आपको सारा इंटरनेट वर्क कर रहा है। एक छोटे से TIR प्रिंसिपल की वजह से ही आपका ये सब सक्सेस हो पाया है, जो आप इंटरनेट पर इतनी तेज स्पीड से US के सर्वर पे गूगल का पेज खोल लेते हैं। ठीक है, तो वो सारे काम किसकी वजह से हो रहे हैं? आपके इसके TIR की वजह से हो रहे हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है देखिए एक बार। ऑप्टिकल फाइबर इस तरह का होता है बेटा, ये समुद्र के अंदर बिछे हुए हैं सारे। पता है क्या आपको ये चीज़? जो आपके समुद्र के एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच ये आपके नीचे बिछे हुए हैं सारे। ये पता नहीं इनको टेररिस्ट को ये बात दिमाग में क्यों नहीं आती कि वहां पे जाके इनको ब्लास्ट कर दें तो वो पूरा कंट्री इंटरनेट से कट जाएगा ना बेटा। अगर सब सब कंट्रीज कनेक्टेड है, पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है, जियो ने यही तो खरीदे थे बहुत सारे। इसमें एक बार कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, फिर कमाई होती है इनसे बहुत, फिर कोई खर्चा नहीं होता है। ठीक है ना, तो जियो ने यही तो करा है कि सारे ऑप्टिकल फाइबर उसने बिछा लिए अपने बहुत सारे। स्पीड स्पीड बढ़ गई थी शुरू में जियो की। तो इस तरह के ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है देखो आप एक बार। इस तरह की ये आपकी, इसके ऊपर एक लेयर है इस तरह की। ठीक है, दो लेयर हो देखो इस तरह से। यह पूरा ग्लास का होता है। क्वार्ट्स के बहुत डिफरेंट फॉर्म दुनिया में पाई जाती हैं, तो उसी तरह बेस्ड होता है कि एक मटेरियल इधर लगा दिया क्वार्ट्स की कोई फॉर्म। ठीक है, और जो भी आपका सिग्नल है, जो आप साइट सर्च करना चाह रहे हो, उस सिग्नल को किसी तरह लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और फिर लाइट ऐसे गिरती है मान लो इस तरीके से। ठीक है ना, यह आपका एयर है और एयर से इस मीडियम में गिर रही है लाइट। ठीक है ना, एयर से आपकी लाइट इस मीडियम में गिर रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ बोल दे, मान लो म्यू वन में गिर रही है। इसका इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू वन है। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है। तो म्यू वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले में लाइट गिर रही है, तो एयर से इसमें जा रही है, तो आपको पता है नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक है ना, अब बस सारी कलाकारी इसमें है बेटा कि इसके ऊपर जो दूसरी लेयर बनाई गई है। अरे यार ये देखने नहीं दे रहे, नेम भी होते हैं इनके, क्या कॉल कर रहे हैं इनको। कोर और क्लेडिंग बोलते हैं, मैं स्पेलिंग चेक कर लूँ थोड़ी सी। कोर और क्लेडिंग बोलते हैं इनको। ठीक है ना, ये जो अंदर वाला पार्ट है ये कोर कहलाता है और ये वाला जो पार्ट है ये क्लेडिंग कहलाता है। ये आपका कोर हो गया, ये आपकी क्लेडिंग हो गई। तो इनका ये डेंसर है, ये रेयरर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ कम रखते हैं और ऐसा रखते हैं कि लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाए बेटा इस तरह। ठीक है ना, इस तरह का रखते हैं कि लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाए, तो आपका ये नॉर्मल है। ठीक है, ये आपका नॉर्मल है और लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर एक बार यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई तो फिर तो हर जगह होगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आई की वैल्यू किस तरह से मेंटेन करते हैं वो अभी आप ही कर लेंगे, बता दूंगा आपको। यहाँ पर कितने इंसिडेंट से गिरा है कि यहाँ पर TIR हो जाए, वो भी आप भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगर इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है और क्लेडिंग का मान लो म्यू टू है, तो एक बात तो क्लियर है, म्यू वन मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू टू। बट किस तरह का मेंटेन होगा वो अभी आप निकाल लेंगे अपने आप ही। म्यू वन मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू टू, डेंसर से रेयरर में जाना चाहिए। तो फिर यहाँ पर क्या होगा? TIR हो जाएगा। एक बार हुआ तो फिर ये आगे सब जगह होता चलेगा। तो यहाँ पर ये इंसिडेंस एंगल मेंटेन करना है, इसको तो मैं आर कह देता हूँ, इसको कहता हूँ। या आपको आई ऐसा मेंटेन करना है कि पूरा यहाँ पर क्या होता चले? TIR होता चले, क्योंकि एक बार हुआ तो फिर हर जगह होता चलेगा। तो बेटा मैंने आपको बोला इसमें लाइट का लॉस बिल्कुल ही नेग्लेजिबल है, तो जो स्ट्रेंथ है सिग्नल की वो बहुत कम रिड्यूस होती है। तो इस वजह से US तक या पूरी दुनिया में कहीं पे लाइट ही चल रही है और क्या है। लाइट की स्पीड से आपने जिस साइट को जानना चाहे उसका सर्वर पे फटाफट वो पेज खुल के वापस आपके पास फटाफट पहुंच जाता है, उसका आपके PC पे इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जाके वापस भी आ जाती है। तो ऐसा काम सिर्फ लाइट ही कर सकती थी, वही कर रही है। ठीक है ना, तो हम कल निकालेंगे नेक्स्ट टर्न पे ये एंगल कितना मेंटेन रखना है जिससे कि यहाँ TIR हो जाए। ठीक है, तो ये पूरा सबसे बड़ा वो है बेटा सोर्स, किसी कंट्री की सबसे बड़ी ताकत तो मुझे यही लगती है कि समुद्र के नीचे बिछे हुए होंगे, बहुत सारे बिछे हुए हैं, सारे कंट्रीज आपस में कनेक्टेड हैं इस ऑप्टिकल फाइबर्स। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टर्न पे निकालेंगे मिनिमम एंगल कितना चाहिए, इंसिडेंस कितना होना चाहिए म्यू वन म्यू टू को ध्यान में रखते हुए जिससे कि ये TIR हो जाए। और ये आ चुका है अभी 2015 में, क्वेश्चन था डायरेक्ट इस पर। ठीक है ना, एडवांस के पेपर में।
अपन इसकी बात आगे करेंगे और TIR के और भी एग्जांपल्स करेंगे। पहले TIR बड़ा टॉपिक फंस जाता है, यहाँ पर ही भी चलता रहता है, चार पांच एग्जांपल हो जाते हैं इसके, और करना चाहें तो फिर लिमिट नहीं है, बट अपन थोड़ी सी लिमिट रखेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चंस बन सकते हैं इन पे, तो अपन एक प्लॉट ज़रूर बनाएंगे, प्लॉट के बाद फिर हो जाएगा अपना फटाफट। चलिए तो अब इसको कंटिन्यू करेंगे, इस वीक प्लान कर रहे हैं आपकी 2 क्लास 3 क्लासेस हो जाए बेटा, ठीक है ना। और AC आपको इस वीकेंड तक मिलना चाहिए, हर बार सोचता हूँ बट हो नहीं पाता क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है, ठीक है। बट लेकिन अपन कोशिश करेंगे AC भी आपको ख़त्म कर दे, फिर एक क्लास में सारे डाउट लेके आप AC की CPPs लगा लेंगे। SCA में तो कुछ भी नहीं है, AC के वो तो बहुत ही कम है, बट आपकी CPPs अच्छी होंगी, ठीक है। तो वो आप लगा के फिर EMI का पैकेज करेंगे, तब तक ये रे ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा अपना, तो रिफ्लेक्शन वाली CPP करिए, अभी तो मैं आपको भेजता हूँ आज, ठीक है। चलिए तो मैं ऑफ कर रहा हूँ बेटा, किसी को कुछ पूछना है? नहीं, डाउट क्लास नहीं है तनिष्क, फिजिक्स में डाउट क्लास ऐसी कोई कंसेप्ट ही नहीं है बेटा, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। अपन डाउट जब जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे, और इस रेगुलर क्लास में लेंगे, एक क्लास पूरी एक्स्ट्रा कर लेंगे, ठीक है ना। एक क्लास पूरी एक्स्ट्रा कर लेंगे और AC के डाउट्स लेंगे पहले, अब बाकी तो हो रखे हैं अपने, और एक रिफ्लेक्शन की रिफ्रैक्शन की CPPs में कुछ आते हैं तो, ठीक है। चलिए बेटा अब मैं ऑफ कर रहा हूँ, आप जाइए, एक्शन वालों की भी क्लास होगी। ओके, वेलकम थैंक यू बेटा, सर, थैंक वेलकम बेटा, यू सर। वेलकम बेटा। अब सरफेस टेंशन पढ़ा रहा हूँ बेटा मैं, तो आप लोगों की शायद क्लास है तो आप में से कोई नहीं रुक पाएगा। कैपिलरी एक्शन किसी को देखना है तो रुक सकता है, कोई फ्री है तो, ठीक है। अभी इसी इसी आईडी पे शुरू हो रही है क्लास, तो अभी इसको ध्रुव को वापस आना पड़ेगा। ध्रुव है क्या, अभी चला गया? ध्रुव एक बार एंड कर रहा हूँ मैं तो मीटिंग, फिर आप दोबारा आइएगा, ठीक है। चलो ओके ओके। तो स्टार्ट करो। हाँ बेटा, गुड इवनिंग बेटा सबको, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, RTR 18 को हो रहा है। नहीं, क्या लगाएंगे दोबारा बोलो, हर्षवर्धन एक बार। हाँ, ठीक है ना। नहीं तो अभी मुझे भी नहीं पता, मेरे को तो एग्जाम का ही नहीं पता कोई ऐसा हो रहा है। पेपर मिल गया होगा ना कहीं से, वो करा देंगे, चुपचाप करा देते हैं ऐसे पेपर भी। उल्टे सीधे ही होते हैं इधर उधर के पेपर, उल्टे सीधे क्वेश्चन और पेपर्स की कमी है, रेलिवेंट और अच्छा मटेरियल, बहुत कम लेवल का और बहुत ज्यादा लेवल का तो बहुत मिल जाएगा, बट एग्जैक्ट वो लेवल ढूंढना मुश्किल होता है मटेरियल। ठीक तो आज बेटा कोशिश करेंगे, देखो ये हो जाए, वैसे बहुत दिन हो गई सरफेस टेंशन को चलते हैं फ्लूड को, अपन इलास्टिसिटी पे जम करें, अपने ज्यादा टॉपिक बचे नहीं है, थोड़े बॉर्डर पे ही है अपन खत्म करने के 11th को। इलास्टिसिटी, SHM, वेव्स और थर्मोडायनेमिक्स।